ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर देख रहे थे हम लोग। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर में कुछ चीजें हम लोगों ने देख ली थी, ए एक्स डॉट ए आर कॉस फाई के बराबर होगा, ए एक्स डॉट ए फाई माइनस साइन के बराबर होगा, ए वाई डॉट ए आर साइन फाई के बराबर होगा। ए एक्स और ए फाई के बीच का जो एंगल है वो 90 प्लस फाई होगा, ये थोड़ा डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन तो फिक्स रहती है हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर हम फाई देखें तो ये मान लीजिए कोई आर है और ये ए फाई है, ए फाई ए आर के हमेशा परपेंडिकुलर रहे, ए फाई जो है वो ए आर के हमेशा परपेंडिकुलर। अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो ए एक्स है वो इधर जा रहा है और ए फाई इधर जा रहा है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे यहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 से ज्यादा होगा, उसलिए हमने उसको क्या ले लिया, 90 प्लस फाई। और भी हम एग्जैक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि अपने को समझने के लिए कि हम ए एक्स और ए फाई के बीच का जो एंगल है वो 90 प्लस फाई क्यों ले रहे हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो 90 प्लस फाइव थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि ये कहां से आ गया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप ध्यान से देख ले। हम लोग हर एक यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर रहे थे, तो ये मान लीजिए मेरा ए एक्स है और ये मेरा ए आर है, ये कहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर ये ए आर और ए एक्स एक साथ होंगे तब तो एंगल ठीक है, 90 डिग्री होगा, तब फाई आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये ए आर ए एक्स पे ना हो के कहीं और हो, मान लीजिए ए आर यहाँ आ गया, और समझने के लिए अच्छे से कि ए आर ए वाई पे आ गया, ठीक है, तब इसका एंगल ये है, फिर इसका जो है तो ये मतलब एक तरह से ये एंगल जो है फाई इंक्रीज हो रहा है, और बढ़ते बढ़ते जो फाई है वो 90 डिग्री पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन इतना नहीं कंफ्यूज, तो अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक टेबल देखेंगे अभी हम लोग, तो ये कुछ टर्म्स हैं वो याद रखना है, भी एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको इसका एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ समझना है, बाद में याद आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब कल हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर करना चाहते हैं, सपोज हमारे पास एक कोई भी वेक्टर है ए आर, अब हमको इसका ए फाई की डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करना है या किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करना, तो उसका सिंपल तरीका होता है उसको उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ए फाई डायरेक्शन में करना है तो हम डॉट ए फाई कर देंगे, जैसे ही हम डॉट ए फाई करेंगे तो हमको ए फाई की डायरेक्शन में उसका वेक्टर मिल जाएगा। मान लीजिए हमको ए आर का ए जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो ए जेड में, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई वेक्टर है, मान लीजिए 3 ए एक्स, एक एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए कि कैसे काम कर रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, 2 ए वाई प्लस 4 ए जेड, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है वेक्टर ए, तो हमको साफ साफ दिख रहा है जैसा कि हमने पढ़ा है कि ए
अगर हम इसको ड्रॉ करें, मतलब एक बहुत इजी एग्जांपल है, ड्रॉ करें तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ए एक्स डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3, तो ये 3 हो गया। वाई डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2। जेड डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4। अब जैसा कि हमने अभी जो मेथड देखा, तो अब हमको इस पूरे वेक्टर का एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम इसको डॉट ए एक्स कर देंगे। तो जैसे ही आप डॉट ए एक्स करोगे तो ये अलग है, हमने देखा था कि अगर अलग होंगे कोई भी, जैसे यहाँ पे अगर सेम नहीं है, परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 3ax.ax। तो यहां से हमको मिल जाएगा 3। इसी तरह से अगर हम y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालते हैं, तो हम इसको y से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, हमको मिल जाएगा 2। अगर आप z डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको z से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाकी सब 0 हो जाएंगे, 4। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी आपको वेक्टर दिया हो और किसी पर्टिकुलर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में उसको कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो हम उस यूनिट वेक्टर से पूरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो उस डायरेक्शन में हमको उसका कंपोनेंट मिल जाएगा। तो ये एक इसका एप्लीकेशन है, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस आगे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमको एक ए आर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, अब इसके हमको ए फाई निकालना है, ए जेड निकालना है, तो हम सिंपली ए आर को एक बार ए फाई से डॉट प्रोडक्ट कर दिए, फिर ए आर को एक बार ए जेड से डॉट प्रोडक्ट कर दिए, तो हमको कुछ ना कुछ मिल गया। अब ये मिला कैसे, वो थोड़ा सा और एग्जांपल हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। अब ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से देखें। जैसे हमको चेंज करना है कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल की तरह, तो हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स ए वाई ए जेड, अब हमको फाइंड आउट करना है ए आर, तो ए आर निकालने के लिए हम इसको ए आर डॉट ए आर कर देंगे, ए फाई निकालने के लिए ए डॉट ए फाई कर देंगे, ए जेड निकालने के लिए ए डॉट ए जेड कर देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तरफ आप लिख लोगे ए एक्स ए वाई ए जेड, एक तरफ लिख लोगे ए आर ए फाई ए जेड, ठीक है। अब अगर परपेंडिकुलर है तो ये हमको पता है कि आर जो है जेड से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, जेड जो है फाई से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और दोनों सेम है एजेड एजेड, तो ये 1 हो जाएगा, इतना हमको क्लियर होना चाहिए। फिर ए एक्स और एजेड हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, ये थोड़ा सा हम इमेजिन कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें इमेजिन कर सकते हैं। कैसे इमेजिन कर सकते हैं, आपने थोड़ा सा बना लिया कि ये एक्स सॉरी ये वाई है, इधर एक्स है, इधर जेड है, तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि जेड जो है हमेशा ए एक्स और ए वाई के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, तो ये 0-0 होंगे। इसी तरह से ए आर और ए फाई इसी नीचे नीचे वाले सरफेस में होंगे, तो ये भी हमेशा जेड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो ये टेबल अपने को याद होना चाहिए। फिर ए एक्स डॉट ए आर ये याद रहना चाहिए, कॉस फाई, ए एक्स डॉट ए फाई माइनस साइन फाई, ए वाई ए आर साइन फाई, ए वाई ए फाई कॉस फाई। इमेजिन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, जैसे थोड़ा बहुत इमेजिन किया जा सकता है, मतलब दोनों चीजें हैं, आप इमेजिन कर रहे हो तो बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा उसको हमें याद कर ले। जैसे इमेजिन करने की बात है कि अगर अपन से किसी ने पूछा कि ए एक्स डॉट ए आर कितना होगा, तो हम दोनों चीज बना लें, मान लीजिए ये मेरा ए वाई है, ये मेरा ए एक्स, हम दोनों चीज बना लें, ये ए एक्स है, ए आर भी बना ले, तो मान लेते हैं ए आर यहाँ कहीं होगा,
अब हमको पता है कि इनके बीच का एंगल फाइव होता है, तो इमेजिन नहीं करना है तो मैंने बताया कि आप इसको थोड़ा सा ड्रॉ करें, मतलब सॉरी अगर आपको याद नहीं करना है तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ करें, और यहां से साफ साफ दिख रहा है कि इनके बीच का अगर एंगल फाई है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए एक्स मॉड ऑफ ए आर और कॉस फाई। तो आपको पता है कि ये जो पार्ट है वन हो जाएगा, ये जो पार्ट है वन हो जाएगा, तो बचेगा कितना कॉस फाई। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है। इसी तरह से ए वाई और ए ए आर भी इमेजिन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये ए आर है ये ए वाई है, तो इनके बीच का एंगल 90 माइनस फाई होगा, अगर ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई होगा। तो ये दोनों भी आप चाहें तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इजीली याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ए एक्स डॉट ए आर कॉस फाई निकल के जाएगा, ए वाई डॉट ए आर साइन फाई निकल के जाएगा। अब ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, अब इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना डगमगा जाता है, अगर करेंगे तो वो भी पॉसिबल है कि ए फाई यहाँ है, अब अपने को दिमाग लगाना है कि अगर ए फाई यहाँ है तो ए एक्स और ए फाई में एंगल क्या बनेगा, तो वो एंगल हम लोगों ने पढ़ा था, वो ध्यान रख सकते हैं 90 प्लस फाई बनेगा, तो वो या अपन इमेजिन कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इस टेबल को, तो कहने का मतलब मेरे बताने का मतलब था ये जो टेबल बनी है ये पूरा जो है डॉट प्रोडक्ट करके बनाई गई है, तो मेरे कहने का मतलब है इतनी चीजें तो आपको मतलब देखते से ही पता चल जाएगी, थोड़ा सा सोचेंगे तो पता चल जाएगी, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम इन दोनों में है। तो इतना हम ध्यान रख सकते हैं कि ये अगर कॉस फाई साइन फाई है तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट आता है और ये नेगेटिव साइन। तो ये टेबल एक बार आपके पास आ गई, फिर आपको कोई भी कन्वर्जन बोला जाएगा आप बड़े आराम से कर देंगे, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट, अगर हम किसी कार्टेशियन से इस स्फेरिकल में, पिछले बार हम लोगों ने चेंज में देखा था तो उसमें हम कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल देखा था और कार्टेशियन से स्फेरिकल, तो वहां पे हमने अलग तरीके से देखा था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर के टर्म में देखेंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर आपको ए आर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो आप ए आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो फाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये टेबल और ज्यादा थोड़ी सी टफ है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको समझने की बजाय मेरा सजेशन है कि ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत टफ हो सकता है। जैसे अगर हम देखें तो ये मेरा ए वाई है, ये ए एक्स है, ये ए जेड है, अब इसके पूरे कंपोनेंट टोटली अलग हैं, ये आपका ए आर हो गया, फिर थीटा जो कंपोनेंट है वो ए आर के यहाँ कहीं होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, फिर फाई जो होगा वो ऐसा चलेगा, ए फाई, तो थोड़ा सा टफ है ये इमेजिन करना। तो इसका तरीका ये है कि आप ये टेबल याद रख लें। आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस सर, आ रही है। ठीक है, yes, तो हाँ, ये टेबल आप ध्यान रख लें कि ए एक्स डॉट ए आर कितना होता है, साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, अगेन अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके भी बुक में मतलब तरीके दिए हुए हैं, थोड़ा सा मैं भी बता सकता हूँ प्रीवियस अगर मिल जाए अपने को।
ये सिलेंड्रिकल है। इमेजिन करना है जैसे मान लीजिए ए आर और ए, सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो अभी आ रही क्या? हेलो एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ। हेलो आवाज आ रही मेरी? हेलो आ रही, ठीक है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप इसको थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा पॉसिबल है, लेकिन एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका ए वाई ए एक्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि आर कंपोनेंट इस तरह से कहीं भी हो सकता है स्फीयर में। सिलेंड्रिकल केस में तो क्या होता था, आर कंपोनेंट की डायरेक्शन फिक्स थी कि मतलब आर डायरेक्शन सिर्फ इधर होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन स्फेरिकल में कहीं भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, ऐसा 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 भी। तो हम मान के चलते हैं ऐसा है। तो फिर अगर हमको ए एक्स और ए आर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसका इस प्लेन में एक कंपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब कर सब सकते हैं लेकिन इतना माथा पच्ची करने से अच्छा है कि याद कर लें, इसलिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कर कैसे सकते हैं। तो मान लीजिए आप ए आर और ए एक्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं स्फेरिकल सिस्टम में, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल आपको पता है थीटा है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपको ए आर का जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो लगभग ए आर साइन थीटा निकल के आएगा, ए आर साइन थीटा निकल के आएगा। तो मतलब ये वाली जो लाइन है ए आर की बजाय ए आर साइन थीटा हो गया इसका कंपोनेंट। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, फाई। अब एक ए एक्स और ए आर साइन थीटा का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको निकल के आएगा साइन थीटा कॉस फाई। सेम ये अगर ए आर साइन थीटा है और आप ए आर साइन थीटा और ए वाई के बीच मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 90 माइनस फाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई। तो कहने का मतलब अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो ये चीजें भी निकाली जा सकती है कि ये कहां से आ रहा है, कैसे लिख दिया सर आपने, ठीक है। अगर समझ में आ जाए एक बार तो फिर हम उसे याद कर लें। जैसे अगर हम कुछ कुछ चीजें सिंपल हैं, जैसे अगर हम ए जेड और ए आर के बीच में निकालना चाहें तो हमको पता है ये ए जेड है और आर यहाँ कहीं पे भी लिया था आपने और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ए जेड और ए आर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके भी लिख सकते हो। फिर ए जेड और ए फाई, ए फाई आपको पता है कि हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे होगा जो इसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से ए थीटा और ए जेड का निकालेंगे तो थीटा की जो डायरेक्शन है हमेशा इस तरफ होगी, तो ये माइनस साइन थीटा जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, शायद अपनी मीटिंग खत्म होने वाली है। तो ये दो टेबल अपने को ध्यान रखना है जिसकी मदद से हम आगे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको यही एंड करते हैं, इसके आगे का कल देखेंगे, ठीक है। हेलो सर। हाँ किसी को कोई डाउट? हेलो सर। हाँ सर, कल वाली लैब की वीडियो मिलेगी? दे देंगे, कल वाली लैब की वीडियो शेयर कर देंगे आपको। ओके सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। देखते हैं जब तक ये खत्म हो जाएगा अपने आप। तो क्लियर है ना ये दोनों कॉन्सेप्ट सभी को?
यस सर ठीक है। ये दो टेबल आप याद कर लें और मैं पीपीटी भेज दे रहा हूँ, आप लोग इतना नोट्स प्रिपेयर कर लें, मैं किसी